दोस्तों, क्या आप जानते हैं धरती से चार उंगल ऊपर चलता था युधिष्ठिर का रथ सिर्फ एक गलती के कारण आ गया था नीचे। अगर आप भी इस रोचक तत्व को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बात तब की है जब भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना में भीषण तबाही मचा दी थी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत चिंता होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते हैं। अगर हम उन्हें ये यकीन दिला दें कि उनके पुत्र का वध हो चुका है तो वो अपने अस्त्र को त्याग देंगे। उस अवस्था में उनका वध आसानी से किया जा सकता है। बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि युद्ध भूमि में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है, तुम उसका वध कर दो और द्रोणाचार्य के सामने जाकर कहो कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। भीम के मुख से अपने पुत्र की मौत की खबर सुनकर आचार्य द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने युधिष्ठिर से इसके बारे में पूछा। तब गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, जी हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है। उसके बाद वे धीरे लफ्जों में बोले, किंतु हाथी, बस यही एक झूठ के कारण जो रथ पृथ्वी से चार उंगल ऊंचा चलता था, लेकिन उस दिन उनके मुंह से ये असत्य निकलते ही उनका रथ जमीन से सट गया। इस वाक्य से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी की गई एक गलती हमारी उम्र भर की तपस्या को भंग कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रोचक तत्व अच्छा लगा हो तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार से अगर आप और भी कहानी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नई कहानी और नए वाक्य के साथ। तब तक इस कोरोना काल में अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, राधे राधे।